नमस्कार। आज के पाठ का नाम है विदाई संभाषण। लिखा है श्री बाल मुकुंद गुप्त जी ने। लेखक भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन को संबोधित कर रहा है। उसे लॉर्ड कर्जन की भारत से विदाई पर दुख है। उसे इस बात का अधिक दुख है कि लॉर्ड कर्जन को भारत पर शासन करने का अवसर मिला, किंतु उसने अच्छे कार्य करने की बजाय बुरे काम किए। इस प्रकार उसका भारत में शासक बनकर आना निष्फल सिद्ध हुआ। भारतवासी लॉर्ड कर्जन को दूसरी बार भारत के वायसराय के रूप में नहीं आने देना चाहते थे। क्यों नहीं आने देना चाहते थे वो? लॉर्ड कर्जन ने पहली बार भी शासक के रूप में मनमाना राजकाज चलाया था, जिससे भारतीय जनता बहुत दुखी हुई थी। लेखक कहता है कि बिछुड़ते समय मन में वैराग्य का भाव आ जाता है। उस समय बीते हुए दुख, कष्ट, अन्याय और पाप सब धुल जाते हैं या हम भूल जाते हैं, और हमारे मन में बिछुड़ने वाले व्यक्ति के प्रति केवल पवित्र भावनाएं जाग जाती हैं। चाहे बिछुड़ने वाला मनुष्य कितना भी बुरा हो, उसने कितने भी दुष्कर्म किए हों, फिर भी उसके प्रति सद्भावना जागती है। इसलिए बिछुड़न का जो समय है उसे पवित्र, निर्मल और शांत कहा गया है। भारतवासी लॉर्ड कर्जन के शासन से दुखी रहे, इसलिए उन्हें उनकी विदाई पर हर्ष होना चाहिए था। परंतु बिछड़ने का समय पवित्र, शांत और निर्मल होता है और सारी दुर्भावनाएँ वहाँ पर नष्ट हो जाती हैं, सद्भावनाएँ अंकुरित होने लगती हैं। इसलिए भारतवासियों को लॉर्ड कर्जन की विदाई पर दुख हुआ। लेखक कहता है, आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है, तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ? आह घमंडी खिलाड़ी, समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीला मैं की लीला हो रही है और यह उसे खबर नहीं है। इन पंक्तियों में देखिए लॉर्ड कर्जन नाटक को दुखांत कहता है। उन्होंने भारत के सर्वशक्तिमान शासक के रूप में काम संभाला था। उन्हें भारत में ईश्वर से भी बड़ा मान सम्मान दिया गया, लेकिन जाते जाते वो ऐसी गलतियां कर बैठे कि उनकी सारी मान मर्यादा नष्ट हो गई। उन्होंने बंगाल का विभाजन करना चाहा, तो भारतवासी उनके विरोध में उठ खड़े हुए। उधर उनकी एक छोटी सी सिफारिश ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया और वे विवश हो गए कि वो इस्तीफा दे दें। यहाँ दर्शक भारतीय जनता को सूत्रधार और स्वयं को लॉर्ड कर्जन जो है उसे क्या कहा गया है? ये यहाँ पर भारतीय जनता किसकी सूत्रधार है? लॉर्ड कर्जन की। इस गद्यांश का घमंडी खिलाड़ी लॉर्ड कर्जन है। उसने बंगाल का विभाजन कराने में मनमानी की। उसने भारतवासियों की भावनाओं को अनसुना कर दिया। परिणाम यह हुआ कि उन्हें पूरे भारत का रोष झेलना पड़ा और अपमानित होकर के वापस इंग्लैंड जाना पड़ा। अन्य पंक्तियों में लेखक कहता है कि इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना नहीं पड़ेगा। वे कितने ही वर्ष तक सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु आपकी बात सही नहीं हुई। आपको स्वयं इस बेचैनी उठानी पड़ रही है और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को ना जाने कब तक नींद और भूख हराम करनी पड़ेगी।
इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और अब भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश ना हो सके और यहाँ की प्रजा को भी सुखी ना होने दिया, इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। इस बार इस शब्द में क्या आशय है? देखिए, लॉर्ड कर्जन का दूसरी बार भारत का वायसराय बनकर आना, दूसरी बार उसने मुंबई में स्पष्ट किया था कि वह भारत पर अंग्रेजी शासन का ऐसा दबदबा कायम कर देगा कि आने वाले ब्रिटिश शासकों को कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। लेकिन हुआ सब उल्टा। उसने बंगाल विभाजन का कठोर लोक विरोधी निर्णय ले लिया, यानी लोग उसका बहुत अत्यधिक विरोध कर रहे थे और ये निर्णय उसका बहुत ही कठोर सिद्ध हुआ। जो बंगाल विभाजन का लॉर्ड कर्जन ने निर्णय लिया था उससे पूरा भारत अशांत हो गया था। भारतवासी उसकी पूर्व विरोधी हो गए थे, यानी अत्यधिक उसका विरोध होने लगा था। उसकी सिफारिश पर एक फौजी अफसर को भी नियुक्ति नहीं मिलती थी। इससे शुभ होकर उसने अपना त्यागपत्र भेज दिया। उसके दुर्भाग्य से वह त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार वह अश से फर्श पर आ गया, वह राजा से रंक बन गया। लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों की पुरजोर विरोध के बावजूद बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। इससे पूरे भारत में क्रांति, संघर्ष और अशांति की ज्वाला जल उठी थी। इस ज्वाला को शांत करने के लिए आने वाले अंग्रेज शासकों को अपनी नींद और भूख हराम करनी पड़ी। अभी जो मैंने आपको पंक्तियां बताई थी, बिस्तरा गर्म राख पर रखने का आशय क्या है? बिस्तरा गर्म राख पर रखने का आशय है अपने लिए घोर कष्टों को आमंत्रित करना। लॉर्ड कर्जन ने अपनी खुद की करतूत से अपने लिए कष्ट बढ़ा लिए थे और लोगों के विरोध को मोल ले लिया था। जनता जनार्दन होती है और जनता का ही विरोध उसने मोल लिया था, तो इसके लिए वो घोर कष्ट वाला होने को था। भारतवासी लॉर्ड कर्जन के भारत विरोधी रुख के कारण दुखी हुए थे। उन्होंने इस बात का अफसोस किया कि यह आदमी ना तो कभी खुद खुश हुआ और ना ही भारतवासियों को कभी खुशी से इसने जीने दिया। उसने जानबूझकर घमंड दिखाया, मनमानी की, जनता की अनसुनी की, बंग भंग जैसे जन विरोधी कार्य किया। बंग भंग ये शब्द है बंगाल विभाजन के लिए। बिचारी तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? अलीफ लैला के अलहदीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खिलाफ की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान ना देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की होती थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे, वह बाएं, आप प्रथम थे, वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सबसे पहले सलाम किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा, चवर, छत्र आदि सब बढ़ चढ़ कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु आप देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे ना हो सके। लॉर्ड कर्जन सामान्य वायसराय नहीं थे, उन्हें भारत में खूब मान सम्मान और शान शौकत मिली थी। उन्होंने दिल्ली के दरबार में इतना वैभव और धन देखा जो कि अलादीन ने जादू से और अबुल हसन ने खलीफा की गद्दी पर भी नहीं देखा होगा। उनकी और उनकी पत्नी की कुर्सियां सोने की बनी हुई थी। उन्हें इंग्लैंड के महाराज के भाई से भी ऊंचा दर्जा मिला हुआ था।
जब जुलूस निकलता था तो उनका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा होता था। भारत में उन्हें भगवान और सम्राट एडवर्ड के बाद पहले स्थान पर देखा जाता था। लॉर्ड कर्जन को अपने जिद्दी स्वभाव के कारण नीचा देखना पड़ा। उन्होंने भारत में बंगाल विभाजन की योजना बना करके समूचे भारतवासियों को अपना दुश्मन बना लिया था। इसके कारण वे सबकी नज़रों में गिरे। उधर इंग्लैंड में वे छोटी सी बात पर अड़ गए। उनकी सिफारिश पर कोई फौजी अफसर को नियुक्त नहीं किया गया। इसी क्रोध में आकर उन्होंने इस्तीफे की धमकी दे दी और इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार उन्हें छोटे से फौजी अफसर के सामने नीचा देखना पड़ा। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्रता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार धमकी देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया और की जड़ हिल गई। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीर गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। इतने ही राजों को मिट्टी के खिलौनों की भांति आपने तोड़ फोड़ दिया। कितने ही मिट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। आह, इतने बड़े माइलार्ड का यह दर्जा कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत ना हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा, वह भी मंजूर हो गया। उनकी रखाया एक आदमी नौकर ना रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। दिवालिया होने का आशय क्या है? देखिए, दिवालिया होने का आशय है शक्तिहीन सिद्ध होना, कमज़ोर सिद्ध होना। लॉर्ड कर्जन ने काउंसिल में बंगाल विभाजन जैसा कानून पास करा दिया था। कन्वोकेशन में भाषण देते समय उन्होंने अपने मुंह से भारत विरोधी बातें कही। इससे सारा भारत उनके विरोध में खड़ा हो गया और वे शक्तिहीन होकर के अकेले हो गए। इस प्रकार भारत में उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ गई थी। इंग्लैंड में छोटी सी बात पर इस्तीफे की उन्होंने धमकी दी। लॉर्ड कर्जन भारत के अत्यंत प्रभावशाली वायसराय थे। इस देश के सभी शासक उनके इशारों पर चलते थे। विभिन्न राजा महाराजा उनका संकेत पाते ही हाथ जोड़ करके उनके सामने आकर के खड़े हो जाते थे। वे इशारा भी कर देते थे तो विनाश का दृश्य उत्पन्न हो जाता था। कितने ही राजाओं के राज्य उन्होंने छीन लिए और कितनों को ही अपनी कृपा से बड़ा अधिकारी बना दिया। उन्होंने अपने देश से देश की शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर डाला, स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया और बंगाल का विभाजन भी कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने भारत के साथ शत्रुओं के जैसा व्यवहार किया। उन्होंने यहाँ के राजाओं को इशारों पर नचाया और कईयों के तो राज्य ही नष्ट कर डाले। लॉर्ड कर्जन की जड़ें हिल चुकी थी। पूरा भारत बंग बंग के कारण उनके विरोध में था। उनकी धमकी ने उस पर सोने का सुहागे का काम किया। भारत में नरवरगढ़ में आश्रय लेने वाले राजकुमार के गीत गाए जाते हैं। वह राजकुमार अपनी विपत्ति के दिनों में नरवरगढ़ में रहा था। उसने वहाँ चौकीदारी से लेकर ऊंचे पद तक कार्य किया। उसने वहाँ से जाते समय नरवरगढ़ की भूमि और वहाँ के लोगों के प्रति खुले मन से कृतज्ञता प्रकट की थी, इसलिए लोग उसकी प्रशंसा में आज भी गीत गाते हैं। लॉर्ड कर्जन ने भारत का वायसराय बनकर भारत के विरुद्ध कार्य किया। उसने हर तरह से भारत की शिक्षा और एकता को बिगाड़ करके रख दिया। उसने अपने लाभ के लिए भारतवासियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का प्रयास किया और मनमाना शासन किया।
भारतवासियों ने लॉर्ड कर्जन को हर प्रकार से मान सम्मान दिया था, शान शौकत भी दी थी। दिल्ली दरबार में उसकी शान सबसे ऊंची होती थी। लेकिन लॉर्ड कर्जन के व्यवहार में उदारता तो नाम मात्र की भी नहीं थी। भारतवासियों के प्रति उसके मन में कोई सद्भावना नहीं थी। लेखक शिव शंभू की दो गायों की कहानी बताता है। शिव शंभू की दो गायों के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि भारत के पशु हों या मनुष्य, वे अपने संगीत साथियों के साथ गहरा लगाव रखते हैं। चाहे वे आपस में लड़ते झगड़ते भी हों, तो भी उनमें परस्पर प्रेम अटूट होता है। एक दूसरे से विदा होते समय वे दुख का अनुभव करते हैं। लेखक यह भी कहना चाहता है कि विदाई का समय बहुत ही करुणाजनक होता है। लॉर्ड कर्जन को जैसा मान सम्मान भारत में मिला, वैसा किसी अन्य शासक को नहीं मिला था। लेखक यह कहना चाहता है कि इस परिवर्तन के पीछे लॉर्ड कर्जन का जिद्दी और घमंडी स्वभाव है। घमंड ने उसकी दुर्गति कर दी थी। ईश्वर को तीसरी शक्ति कहा गया है। लेखक के अनुसार ना तो लॉर्ड कर्जन की शक्ति सर्वोपरि है, ना भारतीय जनता की इच्छा। इन दोनों से ऊपर है ईश्वर की शक्ति, जिसके संकेत पर संसार के सब कार्य चलते हैं। शिव शंभू बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा रचित एक काल्पनिक पात्र है और हमेशा भांग के नशे में मस्त रहता है और सबके सामने खरी खरी बातें कहता है। यह पात्र अंग्रेजों के शासन की बखिया भी उधेड़ता है। यह पोल खोलने वाला एक पात्र है। लेखक ने अंग्रेज सरकार के कारनामों की पोल खोलने के लिए इस पात्र की कल्पना की होगी। लेखक ने यह भी सोचा होगा कि व्यंग्य कार्टून की तरह या बुरा न मानो होली है की तरह वह इस भांग पीने वाले पात्र की आड़ में सुरक्षित भी रह सकेगा। इस तरह पात्र भी लोकप्रिय होगा, शैली भी रोचक होगी और व्यंग्य की चोट भी गहरी मार सकेगा। कर्जन की जो जिद थी वो नादिर से भी बढ़कर थी। एक शासक के नाते उसका कर्तव्य बनता था कि वह जन भावनाओं का आदर करे, वह जनता की इच्छाओं का सम्मान करे, सदा उसके हित की सोचे। इसके विपरीत कर्जन इस देश को मनमाने ढंग से चलाना चाहता था। बंगाल के 8 करोड़ लोगों ने उसके सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि बंगाल का विभाजन न किया जाए, किंतु उसके कानों पर जूं भी नहीं रेंगी। इससे अच्छा और उदार तो नादिर शाह था, जिसने आसिफ जाह द्वारा क्षमा मांग लिए जाने पर भी तत्काल कत्लेआम रोक दिया था। शासन का अर्थ होता है सुव्यवस्था या सुप्रबंध। यह सुप्रबंध जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए, उसी की इच्छा अनुसार किया जाना चाहिए, ना कि उसमें शासक की इच्छा या मनमानी होनी चाहिए। यदि शासक अपनी इच्छा अनुसार कोई परिवर्तन करना चाहता है तो प्रजा की सहमति लेकर के करे। लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने लोगों की इच्छा का कोई ध्यान नहीं रखा। विदाई का समय अब लेखक फिर कहता है कि बहुत ही करुणाजनक होता है। हमारा वैर भाव छूट करके शांत रस में परिणत हो जाता है। शिव शंभू की दो गायें प्रमाण हैं। वे आपस में झगड़ती थी, किंतु जब बलशाली गाय कमजोर गाय को छोड़कर जाने लगी तो कमजोर गाय उसके वियोग में भूखी खड़ी रही, उसने चारा तक नहीं छुआ। इससे पता चलता है कि विदाई का समय बहुत ही कारुणिक होता है। लॉर्ड कर्जन की यह इच्छा थी कि वह भारतवर्ष में पनपने वाले सारे वैर विरोध को शांत कर दे, और वह इस तरह ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें बहुत गहरी बना दे। इसीलिए उसने क्या किया, बंग भंग की योजना बनाई। यानी उनकी नीति ही होती थी कि फूट डालो और राज करो,
अंग्रेजों की ये नीति होती थी कि फूट डालो यानी लोगों को भड़काओ आपस में। इसी योजना के तहत उसने बंगाल के विभाजन को सोचा ताकि वहाँ उत्पन्न होने वाला राजनीतिक विरोध फिर से सिर ना उठाए। उनकी क्या नीति थी कि यदि लोग एक हो जाएंगे तो राजनीतिक विरोध हो जाएगा अंग्रेज सरकार का, इसलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन करना उचित समझा। करजन की इस इच्छा का परिणाम एकदम विपरीत हुआ। बंगाल के लोग बंग भंग की योजना से शांत होने की बजाय नाराज हो गए, क्षुब्ध हो गए। चारों ओर अशांति फैल गई और स्वतंत्रता आंदोलन की आग भड़क उठी। लॉर्ड कर्जन के मन में भारत को एक सुशांत और वैर विरोध शून्य प्रदेश बनाने की इच्छा थी। वह चाहता था कि मैं अपने रहते भारत का प्रबंध इतना बढ़िया कर जाऊं कि आने वाले शासक चैन की नींद सोएं और आराम से शासन करें। परंतु उसने बंगाल विभाजन करके भारतवासियों का विरोध मोल ले लिया था। पूरा भारत उनके विरुद्ध खड़ा हुआ। उसने ऐसी अशांति को जन्म दिया कि आने वाले सभी शासकों की नींद हराम हो गई और हम आज़ादी की ओर बढ़ने लगे। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय जनता के विरुद्ध बहुत सारे क्रूर कार्य किए थे, जिसमें सबसे पहला उन्होंने लोक इच्छा के विरुद्ध बंगाल का विभाजन किया था। दूसरा, भारतीय शिक्षा प्रणाली को तहस नहस कर दिया। तीसरा, भारतीयों की स्वाधीनता को कम कर दिया। चौथा, भारतीयों की इच्छा या अनिच्छा का पता लगाए बिना मनमाना शासन किया। लॉर्ड कर्जन मूल रूप से जन विरोधी शासक थे। वे अपनी मनमानी करना चाहते थे। वे ब्रिटिश शासन के सेवक थे, इसलिए उनकी नज़रों में श्रेष्ठ शासक सिद्ध होना चाहते थे। वे ऐसे कार्य करना चाहते थे जिससे ब्रिटिश शासक प्रसन्न हो और भारतवर्ष उनकी मुट्ठी में हो जाए। इसलिए उन्होंने भारत की उन्नति करने के बजाय उसकी शक्ति को कमज़ोर करना चाहा। उन्हें दबाने की कोशिश की। उन्होंने जानबूझकर भारतीयों की अनसुनी की। लेखक कहता है कि भारत की जनता उदार, सहनशील, कर्तज्ञ, करुणाशील, क्षमाशील और श्रद्धालु है। भारत के लोग शासक द्वारा ढाए गए अत्याचारों की अधिक परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि वे ईश्वर पर विश्वास करते हैं तथा सब अत्याचारों को सहन कर जाते हैं। उनका विश्वास है कि ईश्वर ही उनका रखवाला है और ईश्वर समय आने पर सारी विपदाएं दूर कर देगा। भारत के लोग अपने शासकों के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। यदि कोई शासक उनके साथ सद्व्यवहार करे तो वे युग युग तक उसे याद करते हैं और उनके गीतों में महिमा का गान करते हैं। नर सुल्तान एक राजकुमार था। उसने अपनी विपदा के कुछ वर्ष नरवरगढ़ राज्य में काटे थे और उसने वहाँ पर छोटे बड़े सभी कार्य किए थे। इसी का उदाहरण दे करके कहता है लेखक कि लोगों ने उसके प्रति असीम स्नेह प्रकट किया था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे जाने के बाद लॉर्ड कर्जन की महिमा का गुणगान किया जाए। लेखक विदाई के समय लॉर्ड कर्जन के मुख से भारत की महिमा की स्वीकृति के शब्द सुनना चाहता है। वह चाहता है कि कर्जन जाते जाते भारत की उन्नति की कामना प्रकट करे और उसके प्राचीन गौरव को याद करे। लॉर्ड कर्जन के भारत से जाने पर सबके मन में विषाद होना चाहिए था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। लोगों के मन में विषाद की बजाय हर्ष हुआ। लोग लॉर्ड कर्जन द्वारा जबरदस्ती किए जा रहे बंगाल विभाजन से सख्त नाराज थे और वे उसकी मनमानी से दुखी भी थे। इस प्रकार से विदाई संभाषण में लेखक लॉर्ड कर्जन की सभी बुराइयों को उजागर करता।